प्रस्तुत है डॉक्टर हुकमचंद भारेल द्वारा लिखित जिनागम के आलोक में ध्यान का स्वरूप। यह एक स्थापित सत्य है कि आज तक जो भी जीव आत्मा से परमात्मा बने हैं, रागी से वीतरागी बने हैं, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बने हैं, सांसारिक सुख दुखों से मुक्त होकर अनंत सुखी हुए हैं, वे सभी ध्यान की अवस्था में ही हुए हैं, आत्म ध्यान की अवस्था में ही हुए हैं। अतः मुक्ति के मार्ग में आत्म ध्यान की उपयोगिता असंदिग्ध है। जिस ध्यान से यह आत्मा परमात्मा बनता है, उस ध्यान की चर्चा संपूर्ण जैन समाज द्वारा एक स्वर से मान्य आचार्य उमा स्वामी कृत प्राचीनतम ग्रंथराज महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र में इस प्रकार की गई है। उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहनन वाले के अंतर मुहूर्त तक एकाग्र होकर चिंता का निरोध ध्यान है। उक्त सूत्र तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का 27वां सूत्र है और इसके बाद 44वें सूत्र तक लगातार 18 सूत्रों में विस्तार से ध्यान की चर्चा है। महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र पर विगत 2000 वर्षों में विभिन्न भाषाओं में अनेकानेक टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें संस्कृत भाषा में आचार्य पूज्यपाद देवनंदीकृत सर्वार्थ सिद्धि, आचार्य अकलंक देवकृत तत्वार्थ राजवार्तिक और आचार्य विद्यानंदीकृत श्लोकवार्तिक आदि प्रमुख हैं। कहते हैं कि आचार्य समंतभद्र ने इस महान ग्रंथ पर गंधहस्ती महाभाष्य नामक एक महाभाष्य भी लिखा था, जो आज अनुपलब्ध है। उक्त सभी टीका ग्रंथों में उक्त सूत्रों पर यद्यपि पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, तथापि अंतर मात्र संक्षेप व विस्तार का ही है, विषय वस्तु लगभग समान ही है। उक्त संपूर्ण विषय वस्तु के आलोड़न के उपरांत जो तथ्य उभर कर सामने आते हैं, यहां उनके संदर्भ में इस विषय पर अनुशीलन अपेक्षित है। उक्त सूत्र में जिस ध्यान को परिभाषित किया गया है, वह उत्तम सहनन वालों के ही होता है। यद्यपि वज्रर्षभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज इन तीन सहननों को उत्तम सहनन माना गया है, तथापि जिस ध्यान से अष्ट कर्मों का विनाश होता है, मोह राग द्वेष का पूर्णता अभाव होकर पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है, सर्वज्ञता प्राप्त होती है, वह ध्यान तो शुक्ल ध्यान है और वह प्रथम सहनन वज्रर्षभ नाराज सहनन वालों के ही होता है, चौथे काल में ही होता है, अभी इस पंचम काल में होता ही नहीं है। उस ध्यान के आरंभ के दो पाए तो उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी में होते हैं और शेष दो पाए क्रमशः 13वें गुणस्थान के अंत में और 14वें गुणस्थान में होते हैं। पृथकत्व वितर्क नामक पहला शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान में आरंभ होकर क्षपक श्रेणी वालों के 10वें गुणस्थान तक और उपशम श्रेणी वालों के 11वें गुणस्थान तक होता है। इसके निमित्त से मोहनीय कर्म का क्षय या उपशम होता है, अर्थात मोह राग द्वेष का अभाव होता है और एकत्व वितर्क नामक दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुणस्थान में होता है। उसके निमित्त से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होता है। इस प्रकार चार घातिया कर्मों का अभाव आरंभ के दो शुक्ल ध्यानों से होता है और अघातिया कर्मों का अभाव सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरे शुक्ल ध्यान और व्यूपरत क्रियानिवर्ती नामक चौथे शुक्ल ध्यान से होता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि अरिहंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति का हेतुभूत शुक्ल ध्यान तो इस काल में संभव ही नहीं है। यहां एक प्रश्न संभव है कि क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मुक्ति प्राप्ति का हेतुभूत ध्यान इस काल में होता ही नहीं है? यदि यह बात सत्य है तो फिर इसका आशय तो यह हुआ कि पंचम काल में मुक्ति मार्ग आरंभ ही नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुक्ति मार्ग तो चौथे गुणस्थान से ही आरंभ हो जाता है। अरे भाई, अकेला शुक्ल ध्यान ही ध्यान नहीं है। ध्यान चार प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन चारों ध्यानों में प्रत्येक ध्यान के चार चार भेद हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ध्यान 16 प्रकार के हो जाते हैं। उक्त चार ध्यानों में आर्त ध्यान
और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण हैं, और अंत के दो ध्यान अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मुक्ति के कारण हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित होता है कि इस पंचम काल में मुक्ति का हेतुभूत धर्म ध्यान होता है। ध्यान के संदर्भ में उक्त चारों ध्यान और उनके चार चार भेदों का सामान्य ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज ध्यान की चर्चा तो बहुत होती है पर उसके स्वरूप को बहुत कम लोग जानते हैं। ध्यान ध्यान सब कोई कहे, ध्यान न जाने कोय, ध्यान पंथ जाने बिना ध्यान कहां से होए। दुख पीड़ा रूप चिंतवन आर्त ध्यान है। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, वेदनाजन्य और निदानज के भेद से आर्त ध्यान चार प्रकार का होता है। अनिष्ट पदार्थों के संयोग होने पर उन्हें दूर करने के लिए होने वाला प्रबल चिंतवन अनिष्ट संयोगज नामक आर्त ध्यान है। इष्ट पदार्थों के वियोग होने पर उन्हें प्राप्त करने के लिए होने वाला प्रबल चिंतवन इष्ट वियोगज नामक आर्त ध्यान है। वेदना अर्थात रोग जनित पीड़ा होने पर उसे दूर करने के लिए होने वाला संक्लेश परिणाम रूप प्रबल चिंतवन वेदना जन्य आर्त ध्यान है। भविष्यकाल संबंधी विषयों की प्राप्ति की कामना में चित्त का तल्लीन होना निदानज आर्त ध्यान है। उक्त आर्त ध्यान अपनी अपनी भूमिकानुसार पहले गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक होते हैं। ध्यान रहे, छठवें गुणस्थान में निदान नामक आर्त ध्यान नहीं होता, शेष तीन आर्त ध्यान होते हैं। निर्दयता क्रूरता में होने वाले आनंद रूप परिणामों का नाम रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी के भेद से यह रौद्र ध्यान भी चार प्रकार का होता है। हिंसक कार्यों और भावों में आनंदित होना, उसी प्रकार के भावों में तल्लीन रहना हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। असत्य बोलने और बोलने के भावों में आनंदित होकर तल्लीन रहना मृषानंदी रौद्र ध्यान है। चोरी करने और चोरी संबंधी भावों में आनंदित होकर तल्लीन रहना चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। परिग्रह जोड़ना, जोड़ने व रक्षा करने के भावों में आनंदित होकर तल्लीन रहना परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। यह रौद्र ध्यान अपनी अपनी भूमिकानुसार पहले गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान तक होता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों प्रकार के गृहस्थों श्रावकों को ये दोनों ध्यान होते हैं और अपनी अपनी भूमिकानुसार लगभग निरंतर होते रहते हैं। उक्त दोनों ध्यानों में आर्त ध्यान दुख रूप है, दुखी होने रूप है और रौद्र ध्यान आनंद रूप है, हिंसादि पापों और रागादि भावों में आनंद रूप परिणमित होने रूप है। कर्मोदय से प्राप्त होने वाले इष्टानिष्ट संयोग भी परिग्रह नामक पाप ही हैं। अनुकूल संयोगों में आनंदित होना भी परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। उक्त दोनों ध्यानों में अज्ञानियों के आर्त ध्यान को तिर्यंच गति का और रौद्र ध्यान को नरक गति का कारण माना गया है। सोचने की बात यह है कि जब हम ध्यान के संबंध में बात करते हैं या सोचते हैं या उसकी आवश्यकता बताते हैं, ध्यान करने की प्रेरणा देते हैं, उपयोगिता समझाते हैं, आजकल होने वाले तत्संबंधी क्रियाकलापों में जुड़ने की बात करते हैं, ध्यान का अभ्यास करने की बात करते हैं, तब क्या हमारे ध्यान में यह बात स्पष्ट होती है कि ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी ध्यान है तथा ये ध्यान तिर्यंच और नरक गति के बंध के कारण है? इसी प्रकार जब हम ऐसे संयोगों में घिरे होते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, जो हमें अनिष्ट लगते हैं, उन्हें दूर करने के या उनसे बचने के बारे में सोच रहे होते हैं, भले ही हम उन्हें ना मारें पर मर जावें तो अच्छा है, ऐसा सोच रहे होते हैं, किसी बीमारी से कष्ट में होते हैं और उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, या फिर मैंने यह अच्छा कार्य किया है, इसके फल में मुझे धनादि की प्राप्ति हो, पुत्रादि की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसा सोच रहे होते हैं, तब क्या हम यह जानते हैं कि ऐसा करके हम ऐसा महापाप कर रहे हैं जिसके फल में हमें तिरंच गति में जाना होगा, क्योंकि ये सब आर्त ध्यान के ही रूप हैं।
क्या आप यह भी जानते हैं कि तिरंच अकेले गाय, भैंस और कुत्ते बिल्ली का ही नाम नहीं है। तिरंच गति में सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति भी शामिल हैं। अधिक क्या कहें, निगोद भी तिरंच गति में ही है। किसी व्यक्ति या वस्तु के वियोग में दुखी होना या फिर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के संयोग में संकल्प विकल्प करना, दुखी होना, शारीरिक वेदना से व्याकुल होना और भविष्य में अनुकूल संयोगों की वांछा करना, ऐसे पाप हैं, ध्यान हैं, जो हमें निगोद में भी पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी के विनाश या विपत्ति को देखकर आनंदित होते हैं, झूठ बोलकर आनंदित होते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि की चोरी करके आनंदित होते हैं, परिग्रह को जोड़कर आनंदित होते हैं, तब भी क्या हम यह सोच पाते हैं कि हमारी यह वृत्ति प्रवृत्ति रौद्र ध्यान है जो नरक गति का कारण है। भले ही हमने किसी को ना मारा हो, मारने वाला आतंकवादी भी क्यों ना हो, पर उसकी मौत के समाचार सुनकर आनंदित होना हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। इसी प्रकार हमने झूठ ना बोला हो, चोरी नहीं की हो, पैसा भी न्यायपूर्वक ही क्यों ना कमाया हो, तब भी यदि हम उक्त कार्यों को देखकर, जानकर, उक्त संयोगों को पाकर आनंदित होते हैं, तो हमारे वे आनंद रूप परिणाम क्रमशः मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान हैं, जो हमें सीधे नरक में ले जा सकते हैं। हम घर के एकांत में बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, उसमें खलनायक की पिटाई देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, किसी झूठ पर हंस पड़ते हैं, चोरी देखकर या शेयरों के भाव चढ़ते देखकर प्रमुदित हो उठते हैं, तब क्या आपको ऐसा लगता है कि हम कोई पाप कर रहे हैं? आप तो यही सोचते हैं कि हम एकदम शांत बैठे हैं, किसी का भला बुरा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, किंतु आपको पता होना चाहिए कि आप रौद्र ध्यान कर रहे हैं जो आपको नरक में ले जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा दिल तो बहुत कमजोर है, जब कोई भावुक दृश्य आता है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हिंसादि के दृश्य तो हमसे देखे भी नहीं जाते। वे ऐसा मानते हैं कि हम तो बहुत धर्मात्मा हैं, पर भाई साहब, आपका यह रोना धोना आर्त ध्यान है जो आपको न केवल पशु गति में ले जा सकता है, निगोद का कारण भी बन सकता है। यद्यपि जिनागम का अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय नामक तप है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है, तथापि हम जब पुराण पढ़ रहे होते हैं, प्रथमानियोग का स्वाध्याय कर रहे होते हैं, तब जिन्हें हम इष्ट समझते हैं उन्हें होने वाली प्रतिकूलताओं में दुखी होना भी आर्त ध्यान ही तो है। इसी प्रकार जो हमें ठीक नहीं लगते उनके वध बंधन में प्रमुदित होना भी तो हिंसानंदी रौद्र ध्यान ही है। रावण या दुर्योधन के वध में आनंदित होना भी तो रौद्र ध्यान का ही एक रूप है, जो प्रथमानियोग के शास्त्र वैराग्य के निमित्त हैं। हम अपने अज्ञान से उन्हें पढ़कर भी आर्त रौद्र ध्यान रूप परिणमित होते हैं। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार तो देव शास्त्र गुरु के वियोग में दुखी होना भी आर्त ध्यान में आएगा। यह तो आप जानते ही हैं कि ये इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज जैसे आर्त ध्यान छठवें गुण स्थान तक नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनिराजों को भी होते हैं। उनके तो तीर्थंकरों के वियोग, अपने गुरुओं के वियोग, शिष्यों के वियोग में होने वाले दुखी परिणाम ही आर्त ध्यान रूप होंगे, क्योंकि अन्य कोई तो उन्हें इष्ट होता ही नहीं है। प्रश्न, क्या उनका यह आर्त ध्यान भी तिरंच गति का कारण होगा? उत्तर, नहीं, कदापि नहीं। यह तो हम पहले लिख चुके हैं कि अज्ञानियों के आर्त रौद्र ध्यान क्रमशः तिरंच व नरक गति के कारण हैं, ज्ञानियों के नहीं। यह तो जिनागम में स्पष्ट ही है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव नरक व तिरंच गति में नहीं जाते। रत्नकरंड श्रावकाचार में स्वामी समंत भद्राचार्य लिखते हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल पायु
दरिद्रताम च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं वे यदि व्रत रहित हों तब भी नरक और तिरंच गति में नहीं जाते, स्त्री व नपुंसक नहीं होते, दुष्कुल में पैदा नहीं होते, विकृत शरीर वाले नहीं होते, अल्पायु नहीं होते और दरिद्री भी नहीं होते। प्रश्न, आपने कहा कि अज्ञानियों के आर्त रौद्र ध्यान संसार के कारण है, तिरंच व नरक गति के कारण है और अज्ञानियों के धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान होते नहीं हैं। उक्त कथनानुसार तो सभी अज्ञानियों को तिरंच और नरक गति में ही जाना चाहिए, पर हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनि नववे ग्रैव्यक तक जाते हैं। उत्तर, अरे भाई, नौ ग्रैव्यक भी तो संसार में ही हैं। आर्त और रौद्र ध्यान वाले सभी अज्ञानी नरक व तिरंच गति में ही जाते हैं यह बात नहीं है, क्योंकि फिर तो उनका चतुर्गति परिभ्रमण भी संभव नहीं होगा। अभव्य भी तो चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। जिस समय आर्त रौद्र ध्यान तिरंच और नरक आयु कर्म के बंध के योग्य तीव्रता में होते हैं उसी समय तिरंच व नरक आयु का बंध होता है। इसी अपेक्षा से उन्हें तिरंच व नरक गति का कारण कहा गया है। दुख रूप आर्त ध्यान और आनंद रूप रौद्र ध्यान के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि गजब हो गया, हंसे तो पाप और रोएं तो पाप, आखिर हम करें तो करें क्या। अरे भाई, धर्म तो वीतराग भाव का नाम है, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव का नाम है। इस जगत में सहज भाव से जो कुछ भी देखने जानने में आवे उसे सहज वीतराग भाव से जान लें, देख लें, यही आत्मधर्म है। सुख शांति प्राप्त करने का तो एकमात्र यही उपाय है। इन बातों पर तो किसी का ध्यान है नहीं, हो भी कैसे, क्योंकि ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी ध्यान है, एक तो इस बात का पता ही नहीं है, दूसरे यदि शास्त्रों में पढ़ भी लिया है, विद्वानों से सुन भी लिया है, तो भी अंदर से ऐसा आभास ही नहीं हुआ कि ये भी ध्यान है। जब भी ध्यान करने की बात चलती है तो पद्मासन से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, आती जाती सांसों को देखें, ऐसी बातें ही होती हैं। पर भाई, ये तो सब जड़ शरीर की क्रियाएं हैं, इनसे आत्मा के ध्यान का क्या संबंध हो सकता है। जब ध्यान से लाभ की बात आएगी तो यही कहा जाएगा कि इससे रक्तचाप ठीक हो जाता है, मधुमेह में लाभ होता है, नाड़ी संस्थान भी स्वस्थ हो जाता है, आदि न जाने कितने लाभ गिनाए जाएंगे। कहा जाएगा, करके तो देखिए, छह माह में आपका काया पलट हो जाएगा, आप घोड़े जैसे दौड़ने लगेंगे। जैन धर्म में जिस ध्यान के गीत गाए गए हैं उसका फल काया से मुक्त होना है या काया पलट करना। अरे भाई, मृत्यु होने पर काया तो बदल ही जाती है, असली काया पलट तो हो ही जाता है। घोड़े से दौड़कर क्या आदमी से घोड़ा बनना है। जिस धर्म में यह कहा गया हो कि जीवोन्नपुद्गलाश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित सोसु तस्यैव विस्तरः, देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ और है या ही का विस्तार। क्या उस धर्म में, धर्म ध्यान में देह को ही संभालते रहना, उसकी चिंता में ही मग्न रहना धर्म हो सकता है। छह ढाला में साफ साफ लिखा है, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। शरीर और आत्मा को एक मानना बहिरात्मपन है। शरीर और आत्मा को एक मानने वाले तत्व के संदर्भ में मूर्ख हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। जो ध्यान विदेही होने के लिए था आज वह देह को ठीक कर रहा है, देह की संभाल कर रहा है। जिस ध्यान में देह देवल में विराजमान पर देह से भिन्न भगवान आत्मा का ध्यान करना अभीष्ट था, आज उसी ध्यान में देह का ध्यान रखने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। धर्म सहित ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं।
धर्म माने वस्तु का स्वभाव और ध्यान माने एकाग्रता। वस्तु स्वभाव की ओर एकाग्रता ही धर्म ध्यान है। यह धर्म ध्यान भी चार प्रकार का है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय, आगम की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक गहन विचार करना आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान है। बहुत से विषय ऐसे हैं जिन्हें सीधे जानना संभव नहीं है, जैसे जमीकंद में अनंत जीव हैं। इस बात का निर्णय जिनागम के आधार से ही हो सकता है, क्योंकि वे जीव इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें इंद्रिय प्रत्यक्ष से जानना संभव नहीं है। अपाय विचय, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, संसार के कारण होने से मुक्ति मार्ग के अपाय अर्थात विरोधी हैं। अज्ञानी जीव इस अपाय से कैसे बचें, इस बात का प्रबल चिंतन अपाय विचय नामक धर्म ध्यान है। इस धर्म ध्यान का दूसरा नाम उपाय विचय भी है, क्योंकि इसमें मुक्ति प्राप्त करने के उपाय का भी गंभीर चिंतन होता है। मुक्ति के उपाय रूप सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का विचार होता है। उक्त के संदर्भ में किया गया गहन तत्व विचार ही अपाय विचय या उपाय विचय नामक धर्म ध्यान है। विपाक विचय, कर्मों के विपाक के संदर्भ में विचार करना विपाक विचय नामक धर्म ध्यान है। कौन से कर्म का विपाक या उदय कब होता है, उसका क्या फल है आदि संपूर्ण कर्म विषय गहरा चिंतन इस विपाक विचय नामक धर्म ध्यान में आता है। संस्थान विचय, जिनागम में प्रतिपादित लोक का क्या आकार है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक की रचना आदि जैन धर्म संबंधी भूगोल का विचार संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है। जिनागम के आधार पर प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त सभी प्रकार के चिंतन विकल्पात्मक होने से व्यवहार धर्म ध्यान है। निश्चय धर्म ध्यान तो देशना लब्धि पूर्वक जाने हुए निज भगवान आत्मा का अवलोकन करना, जानना और उसी में उपयोग को एकाग्र करना है। विशेष विचार करने की बात यह है कि शुक्ल ध्यान पंचम काल में किसी को भी तथा गृहस्थों को चौथे काल में भी नहीं होता और आर्त ध्यान व रौद्र ध्यान करने योग्य नहीं है। अब बचा मात्र धर्म ध्यान, जो इस पंचम काल में ज्ञानी सम्यक दृष्टि गृहस्थों के भी संभव है। मिथ्या दृष्टियों को धर्म ध्यान नहीं होता। आज जब भी ध्यान की चर्चा चलती है तब उक्त आज्ञा विचय आदि चार प्रकार के धर्म ध्यानों की तो बात ही नहीं होती, तथा यह धर्म ध्यान सम्यक दृष्टियों को ही होता है इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उक्त चारों प्रकार के धर्म ध्यानों की विषय वस्तु की ओर ध्यान दें तो एक बात स्पष्ट होती है कि जिनागम के अध्ययन बिना धर्म ध्यान संभव ही नहीं है, क्योंकि जिनाज्ञा जाने बिना आज्ञा विचय धर्म ध्यान कैसे होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मुक्ति मार्ग को समझे बिना अपाय विचय धर्म ध्यान संभव नहीं है। इसी प्रकार जिसमें कर्म सिद्धांत और त्रिलोक की रचना का निरूपण है, उस करणान योग के ग्रंथों के अभ्यास बिना विपाक विचय और संस्थान विचय धर्म ध्यान कैसे होंगे। क्या ध्यान का अभ्यास कराने वाले जिनागम की उक्त विषय वस्तु से परिचित हैं? यदि हैं तो भी क्या वे ध्यानार्थियों को उक्त विषयों का अध्ययन कराते हैं? नहीं तो फिर यह कैसा धर्म ध्यान है? यदि निश्चय धर्म ध्यान की बात करें तो निश्चय धर्म ध्यान में जिस भगवान आत्मा का ध्यान किया जाता है, उस भगवान आत्मा के स्वरूप को जानना आवश्यक है। आचार्य कुंद कुंद कृत समय सार में शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न, अपने में उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भावों से अन्य, विकारी अविकारी समस्त पर्यायों से पार और गुण भेद से भी भिन्न जिस आत्मा की चर्चा है, निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का ध्येय तो वह भगवान आत्मा है।
ध्यान करने की प्रेरणा देने के पहले क्या उस भगवान आत्मा का स्वरूप समझना समझाना आवश्यक नहीं है? जिस ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो साक्षात धर्म स्वरूप है, उस ध्यान को समझने समझाने के लिए ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। ध्याता तो चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के जीव हैं। ध्येय उक्त ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। ध्यान उक्त त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में उपयोग का स्थिर होना है और ध्यान का फल अतिंद्रियानंद की प्राप्ति है, मोह राग द्वेष से मुक्त होना है। आज होने वाले ध्यान में ये सब बातें दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती। उक्त चार बातों में सबसे पहले सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ध्याता और ध्येय को समझना है। यह ऊपर कहा ही जा चुका है कि ध्याता सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। वर्णादि और रागादि से भिन्न जिस निज रूप भगवान आत्मा में आत्मानुभूति पूर्वक अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन है, वही निज रूप भगवान आत्मा ध्यान का ध्येय होता है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति और ध्यान करने के लिए उक्त श्रद्धेय व ध्येय आत्मा को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका भाव यह है कि उक्त भगवान आत्मा न केवल श्रद्धेय और ध्येय ही है, अपितु परम ज्ञेय भी वही है, क्योंकि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति उक्त भगवान आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान से ही संभव है। अतः कक्षाएं या शिविर तो उस भगवान आत्मा को सही रूप में समझने समझाने के लिए लगाना आवश्यक है, न कि ध्यान सिखाने के लिए, ध्यान का अभ्यास कराने के लिए। सम्यक दर्शन के बिना ध्यान कैसे होगा और ध्येय का सम्यक निर्णय हुए बिना ध्यान किसका होगा? ध्यान करने का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ध्यान तो हम निरंतर करते ही हैं। पत्नी पति का और पति पत्नी का ध्यान रखते ही हैं, डॉक्टर मरीजों का, दुकानदार ग्राहकों का, यहाँ तक कि मजदूर अपने काम का ध्यान रखते ही हैं। यदि ड्राइवर गाड़ी चलाते समय ध्यान ना रखे तो क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। अरे भाई, ध्यान के बिना तो एक कप चाय भी नहीं बन सकती। यदि ध्यान नहीं रखा जाएगा तो चूल्हे पर चढ़ा दूध उबल सकता है, तवे पर पड़ी रोटी जल सकती है। कहाँ तक कहें, ध्यान के बिना तो इस जगत में कोई भी काम नहीं होता। यही कारण है सभी लोग अपने अपने काम का ध्यान रखते ही हैं। अतः सभी को ध्यान रखने का, ध्यान करने का अभ्यास तो है ही। आवश्यकता ध्यान के अभ्यास करने की नहीं, ध्येय को बदलने की है, निज आत्मरूप ध्येय को समझने की है। ध्येय का निर्णय होने पर, उसमें अपनापन आ जाने पर, उसकी तीव्रतम रुचि जागृत हो जाने पर, उसे पाने की तड़प उत्पन्न हो जाने पर, उसका ध्यान तो सहज ही होता है, उस पर से ध्यान हटता ही नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है कि ध्यान यत्न साध्य नहीं, सहज साध्य है। एक महाविद्यालय में छात्र और छात्राएं साथ साथ अध्ययन करते थे। एक छात्र और एक छात्रा में परस्पर स्नेह हो गया। समान लोगों का सतत सम्मिलन एक दूसरे को आकर्षित करता ही है। परिचय को प्रेम में बदलते देर नहीं लगती। हुआ भी ऐसा ही। उन दोनों ने जीवन में पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहने का संकल्प कर लिया। कसमें खा ली कि शादी करेंगे तो आपस में ही करेंगे, अन्यथा। कसमें तो खा ली, पर अपने संकल्प को अपने अपने माँ बाप को बताने का साहस ना जुटा सके और दिन रात यूं ही बीतने लगे। यद्यपि इस बात की चर्चा उन्होंने किसी से भी नहीं की, तथापि चंचल नैन छुपे न छुपाए की नीति के अनुसार बात छुपी ना रह सकी। उनके माँ बाप तक भी यह बात पहुँची गई। माँ बाप समझदार थे, वे यह अच्छी तरह जानते थे
कि यदि हमने कुछ किया तो होने जाने वाला तो कुछ है नहीं। हाँ, हम खलनायक अवश्य बन जाएंगे, न केवल इसलिए अपितु जोड़ा भी तो श्रेष्ठ था। अतः उनके चित्त को भी यह बात सहज स्वीकृत हो गई। लड़के के पिता ने लड़के को बुलाकर कहा, सुनो, जरा ध्यान से सुनो, हमने तुम्हारी शादी करने का निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि इसी वर्ष तुम्हारी शादी हो जावे। पिता से शादी के प्रस्ताव की बात सुनकर भी पुत्र अपने हृदय की बात न कह सका और कहने लगा, अभी मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं है, अभी तो पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद काम पर भी तो लगना है। उसके बाद वह अपनी बात पूरी ही ना कर पाया कि पिता ने कहा, हमने अमुक व्यक्ति की अमुक लड़की से तुम्हारी शादी करने की बात सोची है। जिसे वह जी जान से चाहता था, पिता के मुख से उसी का नाम सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। उसके मुख से कुछ भी ना निकला। पिता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं चाहता था कि तुम भी उसे देख लो, मिल लो, मुझे विश्वास है तुम्हें वह पसंद आएगी। अभी अभी उसने शादी करने से इनकार किया था। यह बात न जाने कहाँ चली गई और वह अत्यंत विनम्रता से कहने लगा, जब आपने देख लिया है तो मुझे क्या देखना, आपकी अनुभवी दृष्टि के सामने मैं समझता भी क्या हूँ, आप जो कुछ भी करेंगे वह ठीक ही होगा। वह अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि पिताजी कहने लगे, ये तो ठीक है, पर एक निगाह तुम भी डाल लेते तो ठीक रहता। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं देखना है। जब पुत्र ने यह कहा तो पिताजी कहने लगे, सुनो, अभी 2-4 दिन में ही सगाई पक्की कर देंगे, ठीक है? ठीक है नहीं, पूरी बात सुनो, सगाई तो अभी कर देंगे पर शादी 4 माह बाद मई जून में ही हो पाएगी। ठीक है, जब आप ठीक समझें, पर हमारी एक शर्त है कि जब तक शादी ना हो तब तक तुम दोनों एक दूसरे के घर के चक्कर नहीं लगाओगे। ठीक है, और भी सुनो, चिट्ठी पत्री भी नहीं चलेगी? ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात और भी है कि तब तक तुम एक दूसरे के बारे में सोचोगे भी नहीं, एक दूसरे को ध्यान में भी नहीं लाओगे, क्योंकि यदि तुम्हारा चित्त एक दूसरे में उलझकर रह गया तो पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी। व्यग्र होते हुए लड़का बोला, जो भी हो, पर आपकी यह बात नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि यह बात हमारे हाथ में नहीं है। जिससे अपनापन हो जाता है, स्नेह हो जाता है, वात्सल्य हो जाता है, जिसके प्रति रुचि जागृत हो जाती है, उसका ध्यान आए बिना नहीं रहता। प्रयत्न करने पर भी यह संभव नहीं है कि उसका ध्यान ही ना आवे। उक्त कथा का सार मात्र इतना ही है कि जिसका परिचय हो, जिससे अपनापन हो, जिससे राग हो गया हो, स्नेह हो गया हो, जो अपना सर्वस्व लगने लगे, उसके प्रति तो सर्वस्व समर्पण हो ही जाता है, हो ही जाना चाहिए। उसका ध्यान करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसके लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका प्रशिक्षण भी नहीं लेना पड़ता, सब कुछ सहज ही होता है। अरे भाई, एक बार निज भगवान आत्मा को जानिए तो सही, पहचानिए तो सही, उसमें अपनापन तो स्थापित कीजिए, उसकी रुचि तो जगाइए, फिर देखिए कि उसका ध्यान होता है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान की कक्षाएं लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसका ध्यान करने की प्रेरणा देने की भी जरूरत नहीं है। आवश्यकता मात्र अपने आत्मा को सही रूप में जानने की है, पहचानने की है। अतः कक्षाएं और शिविर आत्मा को समझने समझाने के लिए ही लगाए जाने चाहिए। धर्म ध्यान एक सहज प्रक्रिया है जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर सहज भाव से प्रतिफलित होती है। सामायिक ध्यान का ही एक रूप है जो दिगंबर परंपरा में प्रचलित भी है। साधु संतों के साथ व्रती श्रावक भी प्रतिदिन सामायिक करते ही हैं। दूसरी प्रतिमा में होने वाले 12 व्रतों में सामायिक नाम का एक व्रत है। तीसरी प्रतिमा का तो नाम ही सामायिक प्रतिमा है। इस प्रकार हमारे यहाँ
सामायिक के रूप में ध्यान को समुचित स्थान प्राप्त है ही। व्यवहार धर्म ध्यान चिंतनात्मक होता है, विकल्पात्मक होता है और निश्चय धर्म ध्यान चिंतन के निरोध रूप निर्विकल्पक होता है। वस्तुतः बात यह है कि चिंतन ध्यान का प्रारंभिक रूप है। रुचि ध्यान की नियामक होने से चिंतन की भी नियामक होती है। जिसकी जिसे रुचि होती है, पहले उसके बारे में विकल्पात्मक चिंतन चलता है, फिर रुचि की तीव्रता में विकल्पात्मक चिंतन निर्विकल्पक ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। यह एक सहज प्रक्रिया है। अनुप्रेक्षा और ध्यान में अंतर स्पष्ट करते हुए आचार्य अकलंक देव लिखते हैं, स्यात् एतद् अनुप्रेक्षा अपि धर्मध्याने अन्तर्भवति इति पृथगासामुपदेशो अनर्थक इति ततना किम कारणं ज्ञान प्रवृत्ति विकल्पत्वात्। अनित्यादि विषय चिंतनम यदा ज्ञानम तदा अनुप्रेक्षा व्यपदेशो भवति, यदा तत्र एकाग्र चिंता निरोधः तदा धर्म ध्यानम। अनुप्रेक्षाओं का धर्म ध्यान में अंतर्भाव हो जाने से उनका पृथक कथन करना उचित नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे तो उसका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अनुप्रेक्षाएं ज्ञान प्रवृत्ति विकल्प रूप हैं। अनित्यादि विषयों का चिंतन जब ज्ञान रूप होता है तब वह अनुप्रेक्षा कहलाता है, और जब अनित्यादि विषयों में चित्त एकाग्र होता है तब धर्म ध्यान नाम पाता है। यदि हम उक्त कथन पर गंभीरता से विचार करें तो एक बात अत्यंत स्पष्ट है कि निर्विकल्पक धर्म ध्यान होने के पहले होने वाली ज्ञान प्रवृत्ति विकल्प रूप अनुप्रेक्षा में शरीरादि संयोगों की अनित्यता, अशरणता, असारता, भिन्नता और अशुचिता आदि का चिंतन होता है। और जब विकल्प रूप चिंतन का निरोध होकर उसी विषय वस्तु में चित्त निर्विकल्प रूप से एकाग्र हो जाता है तो वह धर्म ध्यान नाम पाता है। तात्पर्य यह है कि धर्म ध्यान के पहले और धर्म ध्यान में भी देहादि से विरक्ति के लिए उसकी अनित्यता, अशरणता, असारता और अशुचिता आदि का चिंतन तो हो सकता है, पर शरीर आदि के पोषण का विकल्प चिंतन ध्यान तो महा अनर्थ है, धर्म ध्यान के विरुद्ध प्रवृत्ति है। ध्यान के नाम पर आज यही सब कुछ हो रहा है। ध्यान के नाम पर आत्मकल्याण और आत्मज्ञान व आत्मध्यान में लगने वाली बुद्धि, शक्ति, साधन, समय सभी कुछ असली धर्म के, ध्यान के, धर्म ध्यान के विरोध में लग रहे हैं। क्या यह एक विचारणीय स्थिति नहीं है? बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ में ध्यान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है, मा चिट्टह मा जम्पह मा चिंतह किं विजेण होई थिरो अप्पा पम्मिरो इणमेव परम हवेज्ञानम। बोलो नहीं, सोचो नहीं, अर्चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्ट तम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। हे भव्य जीवों, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतन मत करो, जिससे आत्मा निजात्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जावे, क्योंकि यही परम ध्यान है। इस गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ध्यान करने के लिए कुछ भी करना अभीष्ट नहीं है, न मन से, न वचन से और न काय से। परंतु आज जो ध्यान सिखाया जाता है उसमें करना करना ही होता है। मन में ऐसा सोचो, वाणी से ऐसा उच्चारण करो और काया से भी कुछ ना कुछ करने को ही कहा जाता है। यहां कोई कह सकता है कि मन वचन काय से कुछ नहीं करने के लिए भी तो मन वचन काय की क्रिया को रोकना होगा। रोकने का काम तो करना ही होगा, यह भी तो करना ही हुआ ना। हम भी तो यही कहते हैं कि शरीर स्थिर रखो, उसे हिलने डुलने ना दो, मौन से रहो और मन को स्थिर करो, इसमें क्या गलत हो गया? अरे भाई, यदि मन वचन काय की संभाल करते रहेंगे तो फिर आत्मा का ध्यान कैसे होगा? ध्यान तो मन वचन काय को संभालने में ही लगा रहेगा।
अभी तक शरीर आदि हिलाने डुलाने का काम करता था, अब शरीर हिले नहीं यह करना होगा। अभी तक बोलने में उपयोग रहता था, अब नहीं बोलने में रहेगा। अब तक कुछ ना कुछ सोचता रहता था, अब सोचना बंद करने की सोचेगा। आत्मा को मन वचन काय की क्रिया से छुट्टी तो मिली ही नहीं, वह आत्मा को कब जानेगा, उसके ध्यान का ध्येय आत्मा कब बनेगा। हम तो यह कहते हैं कि मन वचन काय का कुछ भी मत करो, वाणी के संबंध में भी कुछ ना करो, यहां तक कि काय व वचन के बारे में सोचो भी मत, ज्ञान को कहीं भी मत उलझाओ। यदि ऐसा हुआ तो ज्ञान आत्मा में सहज ही लग जावेगा, उसे जानेगा, जानता रहेगा, लगातार जानता रहेगा। इसी का नाम तो ध्यान है। इस गाथा की संस्कृत टीका में ब्रह्मदेव जो कुछ भी लिखते हैं उसका भावानुवाद इस प्रकार है। हे विवेकी पुरुषों, तीन योगों के निरोध से यह आत्मा अपने में स्थिर होता है, इसलिए नित्य निरंजन और निष्क्रिय ऐसे निज शुद्धात्मा की अनुभूति को रोकने वाले शुभाशुभ चेष्टा रूप काय व्यापार, शुभाशुभ अंतर बहिर्जल्प रूप वचन व्यापार और शुभाशुभ विकल्प जाल रूप चित्त व्यापार को किंचित भी मत करो। जो आत्मा सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक परम समाधि से उत्पन्न सर्व प्रदेशों में आनंद उत्पन्न करने वाले सुख के आस्वाद रूप परिणति सहित निजात्मा में रत परिणत तल्लीन तच्चित्त तन्मय होता है, उस आत्मा का वह सुख स्वरूप में तन्मयपना ही निश्चय से परम अर्थात उत्कृष्ट ध्यान है। उस परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। वह अन्य किस किस पर्यायवाची नामों से कहा जाता है वही कहते हैं, वही शुद्धात्म स्वरूप है, वही परमात्म स्वरूप है, वही एक देश प्रगटता रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से स्वशुद्धात्मा के संवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूपी जल के सरोवर में रागादिमल रहित होने के कारण परम हंस स्वरूप है। इस एक देश व्यक्ति रूप शुद्ध नय के व्याख्यान को परमात्म ध्यान भावना की नाम माला में यथासंभव सर्वत्र जोड़ना। वही परब्रह्म स्वरूप है, वही परम विष्णु स्वरूप है, वही परम शिव स्वरूप है, वही परम बुद्ध स्वरूप है, वही परम जिन स्वरूप है, वही परम स्वात्मोपलब्धि लक्षण सिद्ध स्वरूप है, वही निरंजन स्वरूप है, वही निर्मल स्वरूप है, वही स्वसंवेदन ज्ञान है, वही परम तत्व ज्ञान है, वही शुद्धात्म दर्शन है, वही परमावस्था स्वरूप है, वही परमात्मा का दर्शन है, वही परमात्मा का ज्ञान है, वही परमावस्था स्वरूप परमात्मा का स्पर्शन है, वही ध्येय भूत शुद्ध पारिणामिक भाव रूप है, वही ध्यान भावना स्वरूप है, वही शुद्ध चारित्र है, वही परम पवित्र है, वही अंतः तत्व है, वही परम तत्व है, वही शुद्धात्म द्रव्य है, वही परम ज्योति है, वही शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, वही आत्मा की प्रतीति है, वही आत्मा की संवित्ति है, वही स्वरूप की उपलब्धि है, वही नित्य पदार्थ की प्राप्ति है, वही परम समाधि है, वही परमानंद है, वही नित्यानंद है, वही सहजानंद है, वही सदानंद है, वही शुद्धात्म पदार्थ के अध्ययन रूप है, वही परम स्वाध्याय है, वही निश्चय मोक्ष का उपाय है, वही एकाग्र चिंता निरोध है, वही परम बोध है, वही शुद्धोपयोग है, वही परम योग है, वही भूतार्थ है,
वही परमार्थ है, वही निश्चय पंचाचार है, वही समय सार है, वही अध्यात्म सार है, वही समता आदि निश्चय षडावश्यक स्वरूप है, वही अभेद रत्नात्रय स्वरूप है, वही वीतराग सामायिक है, वही परम शरण उत्तम मंगल है, वही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, वही समस्त कर्मों के क्षय का कारण है, वही निश्चय चतुर्विध आराधना है, वही परमात्मा की भावना है, वही शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुख की अनुभूति परम कला है, वही दिव्य कला है, वही परम अद्वैत है, वही परम अमृत रूप परम धर्म ध्यान है, वही शुक्ल ध्यान है, वही रागादि विकल्प रहित ध्यान है, वही निष्कल ध्यान है, वही परम स्वास्थ्य है, वही परम वीतरागपना है, वही परम साम्य है, वही परम एकत्व है, वही परम भेद ज्ञान है, वही परम समरसी भाव है, इत्यादि समस्त रागादि विकल्प उपाधि से रहित परम आह्लाद रूप एक सुख जिसका लक्षण है, ऐसे ध्यान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग के वाचक अन्य भी पर्यायवाची नाम परमात्म तत्व के ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य हैं। जैन दर्शन में जिस ध्यान के गीत गाए हैं वह तो यही निश्चय धर्म ध्यान है, जिसे जिनागम में उक्त नामों से पुकारा जाता है। उक्त स्वरूपाचरण या शुद्धोपयोग रूप ध्यान की चर्चा छैढाला नामक ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी इस प्रकार करते हैं। जिन परम पैनी सुबुदि छैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अरुरागादिते निज भाव को न्यारा किया, निज मां ही निज के हेतु निज कर आप को आपय गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मंझार कछु भेद ना रहो, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन जहां, चिदभाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगटी जहां दीर्घ ज्ञान व्रत ये तीन धा एकई लसा, परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव मैं दिखे दृघ ज्ञान सुख बल मैं सदा, नहीं आन भाव जुमो विषे मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरुतसु फलनितै चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित पुनि कलनितै, यों चिंत्य निज में थिर भये तिन अखत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चौघाति विधि का आनंद हो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भविलोक को शिव मग कयो। उक्त चार छंदों में स्वानुभूति स्वरूपाचरण या शुद्धोपयोग रूप ध्यान की संपूर्ण प्रक्रिया को अति संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया गया है। सबसे पहले तो जिन अध्यात्म के अध्ययन से वर्णादि पर पदार्थों और रागादि विकारी भावों से भिन्न निज भगवान आत्मा को भलीभांति जाने पहचाने, तदुपरांत बुद्धि रूपी अत्यंत तीक्ष्ण छैनी से प्रज्ञा छैनी से वर्णादि और रागादि से भिन्न निज भाव रूप भगवान आत्मा को भिन्न करे, भिन्न जाने, भिन्न अनुभव करे। तात्पर्य यह है कि इन वर्णादि और रागादि से भिन्न अपने आत्मा में अपनापन करे, अपने आत्मा को निज रूप अनुभव करे। यह अनुभव करने का कार्य, स्वयं को ग्रहण करने का कार्य अपने में ही होगा, अपने लिए ही होगा और अपने द्वारा ही होगा। जब ऐसा होगा तब गुणगुणी
और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में कोई अंतर ही नहीं रह जावेगा। ध्यान ध्याता और ध्येय का विकल्प भी समाप्त हो जाएगा, वचन भेद भी ना रहेगा, तब चैतन्य भाव ही कार्य होगा, चिदेश आत्मा ही कर्ता होगा और ज्ञान दर्शन चेतना ही क्रिया होगी। कर्ता कर्म क्रिया का भेद भी नहीं रहेगा, तीनों अभिन्न हो जाएंगे, उसमें कोई खेद ना रहेगा, खिन्नता ना रहेगी, शुद्धोपयोग रूप निश्चल दशा प्रकट होगी और दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन होकर भी एक रूप में ही शोभायमान होंगे। जब समय सार में यह प्रश्न उपस्थित किया गया कि प्रज्ञा छैनी से अपने आत्मा को विभक्त करने की आपकी आज्ञा तो हमें स्वीकार है, पर उक्त निज भगवान आत्मा को ग्रहण कैसे करें, ग्रहण करने का साधन क्या है, क्या उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अन्य कोई साधन नहीं जुटाना पड़ेगा, तब उत्तर दिया गया कि कहसो घिप्पदियप्पा पन्नाय सोदघिप्पदेयप्पा जह पन्नाय विभत्तो तह पन्ना एव घित्तव्यो। जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। अरे भाई, जिस प्रज्ञा छैनी से इस भगवान आत्मा को पर से भिन्न जाना है, उसी प्रज्ञा छैनी से ही अपने आत्मा का ग्रहण होगा, अनुभव होगा, ध्यान होगा, अन्य किसी साधन की कोई अपेक्षा नहीं है। इसी प्रकार जिस विधि से पर से भिन्नता की गई है, उसी विधि से भगवान आत्मा का ग्रहण होगा, अन्य कोई विधि खोजने की आवश्यकता नहीं है, अन्य कोई प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, असली धर्म तो यही है, असली ध्यान तो यही है, असली धर्म ध्यान तो यही है। प्रश्न, आप कहते हैं कि ध्यान की कक्षाएं चलाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान के शिविर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि ध्यान की कक्षाएं नहीं चलाएंगे, ध्यान के शिविर नहीं लगाएंगे, तो फिर लोग ध्यान करना सीखेंगे कैसे? उत्तर, कक्षाएं ज्ञान की लगती हैं, ध्यान की नहीं। शिविर भी ज्ञान के चलाए जाने चाहिए, ध्यान के नहीं। पठन पाठन की व्यवस्था तो मुनि संघों में भी होती रही है और श्रावकों के लिए तो होती ही है, होनी भी चाहिए, परंतु ध्यान के संदर्भ में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। भगवान महावीर से आज तक कभी कहीं कोई ध्यान करने की विधि सिखाने की बात पढ़ने सुनने में नहीं आई। स्वयं में स्थिर हुए सम्यक ज्ञान का नाम ध्यान है। आत्मा के ज्ञान होने के उपरांत ध्यान के लिए अलग कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं रहती। ध्यान तो एकदम व्यक्तिगत चीज है, उसके लिए तो एकदम शांत एकांत स्थान चाहिए और शिविरों के लिए तो भीड़ भाड़ ही चाहिए। ध्यान करने के लिए तो हमारे सभी तीर्थंकर गंधर्व देव और साधुगण निर्जन तु एकांत वन खंड खोजते रहे हैं, पर्वत की चोटियों को चुनते रहे हैं। यही कारण है कि हमारे लगभग सभी सिद्ध क्षेत्र साधना क्षेत्र पर्वत की चोटियों पर हैं। आखिर ये तीर्थ क्षेत्र हैं क्या, जहां बैठकर हमारे तीर्थंकरों ने गंधर्वों ने संतों ने आत्म साधना की, आत्मा का ध्यान किया? उन स्थानों को ही तो तीर्थ कहते हैं। उक्त संदर्भ में लेखक की अन्य कृति शाश्वत तीर्थधाम समेध शिखर का स्वाध्याय करना चाहिए। ध्यान के संदर्भ में उक्त कृति में समागत निम्नांकित कथन दृष्टव्य हैं। जब यह बात कही जाती है तो एक प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि हमारे तीर्थंकरों ने हमारे संतों ने आत्म साधना के लिए ऐसे निर्जन स्थान ही क्यों चुने? इसलिए कि हमारा धर्म वीतरागी धर्म है, आत्मज्ञान और आत्मध्यान का धर्म है। आत्मध्यान के लिए एकांत स्थान ही सर्वाधिक उपयोगी होता है।
जैसा एकांत इन पर्वत की चोटियों पर उपलब्ध होता है वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि पर्वत की चोटी पर जेठ की दोपहरी में कठोर तपस्या करने से, शरीर को सुखाने से कर्मों का नाश होता है, पर इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि देह को सुखाने से कर्म नहीं कटते। कर्मों का नाश तो आत्मा आराधना से होता है, आत्म साधना से होता है। आत्म आराधना और आत्म साधना, आत्म ज्ञान और आत्म ध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पर और पर्याय से भिन्न त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा के जानने का नाम ही आत्मज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। उसमें ही अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन है, और उसमें ही लीन हो जाने, समा जाने का नाम सम्यक चारित्र है। यह सम्यक चारित्र वस्तुतः तो आत्म ध्यान रूप ही होता है। इसमें शरीर के सुखाने को कहीं कोई स्थान नहीं है। यदि यह बात है तो फिर वही प्रश्न फिर उभर कर आता है कि हमारे तीर्थंकर और साधुजनों ने ऐसा स्थान और इतना प्रतिकूल वातावरण ध्यान के लिए क्यों चुना। हम देखते हैं कि सम्यक शिखर के जिस स्थान से तीर्थंकरों ने मुक्ति प्राप्ति की है, वहां कहीं कहीं तो इतना भी स्थान नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा भी हो सके। चोटियों को देखकर लगता है कि सभी स्थान लगभग ऐसे ही रहे होंगे। यह बात अलग है कि आज हमने अपनी सुविधा के लिए उन्हें कुछ इस प्रकार परिवर्तित कर दिया है कि जिससे कुछ लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं। वस्तुतः बात यह है कि हमारे संत ध्यान के लिए, बैठने के लिए भी ऐसा ही स्थान चुनते हैं कि जहां बगल में कोई दूसरा व्यक्ति बैठ ही ना सके, क्योंकि बगल में यदि कोई दूसरा बैठेगा तो वह बात किए बिना नहीं रहेगा और वे किसी से बात करना ही नहीं चाहते हैं। बातचीत पर से जोड़ती है और पर का संपर्क ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है। एक तो कोई व्यक्ति पर्वत की इतनी ऊंचाई पर जाएगा ही नहीं, जाएगा भी तो जब उसे बगल में बैठने की जगह ही ना होगी तब बगल में बैठेगा कैसे। इस प्रकार पर्वत की चोटी पर उन्हें सहज ही एकांत उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार वे तेज धूप में भी किसी वृक्ष की छाया में ना बैठकर ध्यान के लिए पूर्ण निरावरण धूप में ही बैठते हैं। तपती जेठ की दोपहरी में यदि किसी सघन वृक्ष की छाया में बैठेंगे तो ना सही कोई मनुष्य पर पशु पक्षी ही अगल बगल में आ बैठेंगे। उनके द्वारा भी आत्म ध्यान में बाधा हो सकती है। इस बाधा से बचने के लिए ही वे धूप में बैठते हैं, धूप से कर्म जलाने के लिए नहीं। आज हम वातानुकूलित कक्षों में बैठकर सामूहिक रूप से ध्यान करने की बात करते हैं। क्या हमारे पूर्व पुरुषों के पास वातानुकूलित कक्ष नहीं थे? यदि थे तो फिर वे ध्यान करने के लिए पर्वतों की चोटियों पर क्यों गए? भयंकर गर्मी और हड्डियों को गला देने वाली सर्दी में, नग्न दिगंबर दशा में, खुले आकाश में ध्यान करने क्यों बैठे? इस पर कुछ लोग कहते हैं कि आप तो व्यर्थ ही आलोचना करते हैं, वातानुकूलित कक्ष में सर्दी गर्मी की बाधा नहीं रहती और मक्खी मच्छरों का उपद्रव भी नहीं होता, अतः ध्यान करने में सुविधा रहती है, मन लग जाता है। हमारे पूर्वजों के ध्यान को मक्खी मच्छर तो क्या, सांप और शेर जैसे क्रूर पशु भी विखंडित नहीं कर सके, उन्हें ध्यान से विचलित नहीं कर सके, और हम मक्खी मच्छर से भी विचलित होने लगे? हमारे पूर्वज तो सर्दी गर्मी से भी कभी विचलित नहीं हुए। उनके माथे पर तो सिगड़ी तक जला दी गई, पर वे तो अडिग ही रहे। पर हमें आत्मा का ध्यान करने के लिए भी वातानुकूलित कमरे चाहिए। ध्यान को सीखने सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु में अपनापन आ जाता है, जिसके प्रति रुचि जागृत हो जाती है, उसका ध्यान तो सहज ही होता है। यदि हम चाहें भी कि हमें उसका ध्यान ना आवे, तब भी हम उसके ध्यान से नहीं बच सकते। प्रश्न: यह तो ठीक ही है
कि ध्येय अर्थात ध्यान करने योग्य पदार्थ तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा ही है, तथापि प्राथमिक अवस्था में अभ्यास के लिए तो किसी भी पर पदार्थ पर उपयोग केंद्रित किया जा सकता है? उत्तर, नहीं। पर प्राथमिक अवस्था वालों के लिए तो बृहद द्रव्य संग्रह में यह लिखा है, प्राथमिकापेक्षया सविकल्पावस्थायां विषय कषाय वंचनार्थम चित्त स्थिर करणार्थम पंच परमेष्ठ्यादि पर द्रव्यमपि ध्येयं भवति। पश्चात् अभ्यास वशेन स्त्रीभूते चित्ते सति शुद्ध बुद्धैक स्वभाव निज शुद्धात्म स्वरूपमेव ध्येयम् इत्युक्तं भवति। प्राथमिक पुरुषों की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए और चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्ठी आदि पर द्रव्य भी ध्येय होते हैं। तत्पश्चात जब अभ्यास के वश से चित्त स्थिर हो जाता है, तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निज शुद्धात्मा का स्वरूप ही ध्येय होता है। उक्त कथन से यह अत्यंत स्पष्ट है कि पंच परमेष्ठी और उनके द्वारा प्रतिपादित जिनागम में प्रतिपादित वस्तु व्यवस्था भी धर्म ध्यान का ध्येय हो सकती है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय रूप धर्म ध्यानों की विषय वस्तु से यह बात सिद्ध होती है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किए गए प्रयासों को तो धर्म ध्यान किसी भी रूप में नहीं माना जा सकता। रैण सार में आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं कि अज्जय नमेव जानम पंचेन्द्रिय निग्गहम कसायम्पि तत्तो पंचम काले पवयन सारब्ब भासमेव कुज्जाहो। शास्त्रों का अध्ययन ही ध्यान है, क्योंकि उसी से पंचेन्द्रियों और कषायों का निग्रह होता है। इसलिए इस पंचम काल में प्रवचन सार अर्थात जिनागम का ही अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचम काल में अर्थात इस युग में तो विशेषकर गृहस्थों के लिए अध्ययन ही मुख्य है। प्रश्न, ध्यान करने के लिए आसन कौन सा होना चाहिए? उत्तर, उक्त संदर्भ में आचार्य जिनसेन लिखते हैं, ध्यान बैठकर, खड़े रहकर और लेटकर भी किया जा सकता है। शरीर की जो भी अवस्था ध्यान की विरोध करने वाली ना हो, उस अवस्था में अपनी सुविधानुसार ध्यान किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की स्थिति खड़े होने या बैठने की ना हो, तो क्या वह आत्मध्यान से वंचित हो जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। सभी ध्यानार्थी निज भगवान आत्मा का स्वरूप समझकर उसमें ही अपनापन स्थापित कर उसमें ही जम जावें, रम जावें और अनंत सुख शांति प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं।